सोलन में विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास का मूल्य लोगों को घायल होकर चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर ठेकेदार काम तो कर रहे हैं, उन पर चेक रखने वाला कोई नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोनाजी रोड के समीप शक्ति नगर में ठेकेदार ने रास्ते की मरम्मत के नाम पर रास्ते को खोद तो दिया, बाद में उसे ठीक करना भूल गया, जिसकी वजह से रास्ता बेहद तंग हो गया है और लोग मलबे पर गिरने से न केवल घायल हो रहे हैं बल्कि कई लोगों को गिरने की वजह से हड्डियां तक भी टूट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे काफी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार की वजह से कई लोग अपने हड्डियां तक भी तुड़वा चुके हैं। ये शक्ति नगर गेट नंबर 1 का जो रास्ता जा रहा है वो तोड़फोड़ की गई है 15-20 दिन पहले से, लेकिन अब उसका कोई वारिस नहीं है, कोई देख नहीं रहा कि इसको कब रिपेयर करना, कैसे करना, और आते जाते लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 2-3 बार तो गिर भी गए हैं, रात के समय तो और भी मुश्किल हो गया हुआ है, यहाँ चलना अति कठिन हो गया हुआ है। हमने कंप्लेंट भी की लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो प्लीज़ इसको देखा जाए। आए दिन डेली कोई ना कोई गिर रहा है, मैं तो अपने आप भी यहाँ से 2-3 बार फिसलते हुए बची हूँ कि बस, एक बार तो फ्रैक्चर भी हो गया था यहाँ पे। और हम आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये रास्ता बिना सोचे समझे तोड़ दिया गया है, इसे जो है जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि विद्यार्थी भी जाते हैं यहाँ से और कितने ही लोग जो है यहाँ से गाँव के लिए ये रास्ता जा रहा है और इसको इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कितने ही लोगों को हम ये शिकायत कर चुके हैं, बच्चे जो है वो हर रोज़ चोट ले रहे हैं, चोट खा रहे हैं, तो लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हम हैं, सामान लेकर आते हैं, कोई ना कोई जो है एक सीवर खुला हुआ है उसके अंदर भी बच्चे गिर जाते हैं, तो कृपया इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए।